नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने रामधारी सिंह दिनकर की लिखित कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का पाठ करने वाला हूँ। तृतीय सर्ग में कृष्ण की चेतावनी है, उसमें तीन अंक है। मैं तीनों अंक का अलग अलग करूँगा। तो तृतीय सर्ग का पाठ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब न पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बने एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब एक शुडन, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी अंधिया सुनाती हैं, जो लक्षा गृह में जलते हैं, वे ही शुरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ये कहता है तीसरे सर्ग का प्रथम अंक, तीसरे सर्ग के दूसरे अंक में जो कृष्ण के चेतावनी है, जब संधि करने के लिए हस्तिनापुर आते हैं तो कौरव मानते नहीं है और दुर्योधन कृष्ण को बांधने चलता है, तब इस दुर्योधन की हरकत से कृष्ण क्या बोलते हैं आप सुनिए। जो सबसे प्यारा दशमी रथी का सबसे महत्वपूर्ण खंड है, सुनिए। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर लाए, पांडव का संदेश आए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अपसाद मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझमें संसार,
संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वश अस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दिश अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र शतकोट सहित सर सिंधु मंद, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट जिष्णु जलपति धनेश, शतकोट रुद्र शतकोट काल, शतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिहवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फरशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस सिगाल लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर्न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय। अब मैं आपको तीसरे अंक की पाठ कर रहा हूं, आप सुनिएगा क्या होता है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अवशेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वव्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है, मती गई मूड़ की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्शन विषण बिलबिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उझे उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुथी का प्रथम लाल, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है,
शरचाप उठाए आठ प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप्रेम बसा दुश्मन के घर। निजबंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ पांच भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कृष्ण कितनी भी लालची दे ले, कर्ण सत्य है सप्तम वदा। मैं कर्ण को सलाम करता हूँ। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बलबुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समुद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आ क्या दृश्य सुभा सुभग होगा, आनंद चमकित जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मड़ी को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। देखते हैं कितना कह रहे हैं कृष्ण कि चलो सब तुमसे खुश हैं। डर अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। अब कर्ण क्या बोलता है ये सुनिए। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, जनमन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। वाह, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उधर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपति थी, कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत्ते समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उससे उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। ये कृष्ण बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं कृष्ण को, ये ऐसी माता है। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वो तो यशस्विनी बनी रही, सब की भौमुझ पर तनी रही, कन्या वो रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शुद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रहे थे दृश्य पिता, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अचल की दे न सकी। ये भी कहते हैं कर्ण कृष्ण से, तू तो कैसी माता है, चलो सबके सामने नहीं मेरी सुध ले सकती है, छिपकर तो ले सकती है, कैसी माता है वो। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं, कुंती जिस भय से भरी रही, तज तुझे दूर हट खड़ी रही,
वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। वाह वाह रे कर्ण वाह, यहां तक कह दिया तो कुंती का हृदय क्या चाहता है, मेरा सुख या पांडवों की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था क्या एक समय, पर ऐसा भी था एक समय जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्वंग्य सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ता ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। वाह, राधा जिसने पाला था, जिसका अपना सूत, जिसका अपना बेटा नहीं था, वही मेरी सब कुछ है। हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। वाह, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन। वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सुदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हे ऋण कर्म का रोम रोम, जानते सत्य सूर्य सो, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी सुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रसात सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया, जब अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तने, किसको होगा यह इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वो यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, चलचाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ दिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाँ आऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। ये कह रहे हैं कि जो आज आप कह रहे हैं, कुंती के सामने कृपाचार्य ने जब मुझे लज्जित किया था, उस वक्त कुंती ने क्यों नहीं कहा, तो ये सभा नहीं होती, ये रण कौशल नहीं होता। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। तो ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन को मैं नहीं मिलता, मतलब कर्ण नहीं मिलता, और ना ही पांडव कभी वन जाते। ले लील भले ये धार, मुझे लौटना नहीं सितार मुझे। धर्माधिराज का जष्ट बनू, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनू, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं।
विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विधि विविध यत्न अपनाते हैं। कुलगोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या, रण में कुलपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ करण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य वो नर होगा, धिक्कार योग्य होगा वो नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर, हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छा गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता धन, धर की धरती की तो है क्या विशा, आ जाए अगर वैकुंठ हार, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंद पचलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल के कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन का, तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निधन को भरती रहे सदा, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ छका चित्त कुछ क्षण विलास, पर वो भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है पार, केशव कुछ नहीं ले जाना है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप तपस्वी, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया नेपल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधर में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वरी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष्ठर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंध चुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सक्तान किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अपिहास पाट काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रहकर भुजा फड़फड़ाती फड़कती है, बिजली सी नशे कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं की जय केशव, अवसेर नहीं की जय केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम सुरत तुरत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा,
पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे आऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार, रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश हरे। रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। ये कृष्ण जिसकी तारीफ में कहते हैं कर्ण के तारीफ। आज तृतीय सर्ग यही समाप्त होता है। नमस्कार।